वानसी पुलिस ने लोगों को पैसे का लालच देके उनके ट्रकों को खदान में लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त अनूप कुमार सिंह और मुन्ना लाल उर्फ घंटू को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने एग्रीमेंट के तहत लोगों से ट्रैक्टर लेकर अन्य जनपदों में गिरवी रख दिए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली, 1 रोटावेटर और 1 बुलेरो बरामद की है। अभियुक्तों पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी दयापुर स्थित खंडहर नुमा फैक्ट्री से हुई। आज लोताताना पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से ये 147/24 एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें लोगों को पैसा के लालच दिखाकर लोगों से ट्रैक्टर ले जाना और उस गाड़ियों को विभिन्न जनपदों में बेचना और खनन में लगवाना, ये इस ऐसे आरोप के खिलाफ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है अनूप कुमार सिंह और मुन्ना लाल, जिनके कब्जे से 8 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉलियाँ, 1 रोटोवेटर और 1 बोलेरो बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहे हैं और साथ ही साथ इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी किया जाएगा। इस सफल अनावरण के हेतु थाना लोता और जो क्राइम टीम था उनको 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया जाएगा। सर, इसके पहले वे एग्रीमेंट बनवा कर इस तरह का काम करते थे ट्रैक्टरों को खादा में लगवाने का, या पहली बार? इन दो आरोपियों में से एक अनूप कुमार के खिलाफ 2 मुकदमा ऑलरेडी लोता थाने में लिखा गए हैं, इसी टाइप का प्रकरण था और इनका ये आपराधिक इतिहास में 2 मुकदमा ऑलरेडी है। गैर जनपदों में इनके खिलाफ वो जो कहाँ कहाँ इन्होंने और घटना के इनके खिलाफ और कोई जनपदों में कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं, उसका छानबीन कर रहे हैं। जैसे वो सूचना मिल जाएगा उसके उस आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई किया। पुलिस टीम के लिए 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया गया। सर, एग्रीमेंट फर्जी एग्रीमेंट तो नहीं था? नहीं, एग्रीमेंट जेन्यून एग्रीमेंट है, बस जो अग्रीमेंट का कंडीशन है वो इन्होंने वायलेट करके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को, जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को किसी लोगों को बेचना और नंबर प्लेट बदलवा के वो खुद यूज़ करना, ऐसे आरोप है।